हाय गाइस, दिस साइड संगीता एंड इस हफ्ते मैं फिर से लाई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस हफ्ते मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नेचर की ड्रॉ एंड पेंटिंग, कैसे मैं नेचर की ड्राइंग करती हूँ एंड उसके बाद इसको पेंट कैसे करती हूँ, इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक A3 साइज का पेपर लिया था और ये A3 पेपर था 300 GSM का। 300 GSM का मैं पेपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक्रिलिक कलर करने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मोटा पेपर यूज़ किया जाए। पतला पेपर यूज़ करती तो ना पीछे कलर करने के बाद पीछे फूल जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा 300 GSM का पेपर यूज़ किया जाए। और मेरा यहाँ पे फ्लावर का ड्राइंग हो चुका है ख़त्म, पेंसिल से मैं फ्लावर की ड्राइंग कर रही थी। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ड्राइंग करना इजी है, ड्राइंग करने के बाद जो पेंट करने का प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ड्राइंग तो रैंडमली एक बना सकते हैं और उसको कलर से फिलअप कर सकते हैं, कहाँ पे गलत हो रहा है कहाँ पे सही करना है वो कलर से ठीक कर सकते हैं, बट ड्राइंग रैंडम एक बना सकते हैं। तो मैंने ये ड्रॉ करते करते सोचा कि इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है एक नॉर्मल ड्रॉ करना, तो छोटा छोटा पार्ट देखना पड़ता है। जब स्केचिंग होता है ना तो स्केच करने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग को ध्यान में रख के करना पड़ता है, और पेंटिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है क्योंकि पेंटिंग नॉर्मली एक आउटलाइन बना लो उसके बाद पेंट करके फिर उसको ठीक कर लो। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरा तो यही मानना है, जब भी मैं पेंट करती हूँ ना तो ऐसे रैंडमली बॉटल के ऊपर जब भी मैं पेंट करती हूँ तो ऐसे रैंडमली एक आउटलाइन बना लेती हूँ फिर उसके बाद कलर से उसको ठीक कर लेती हूँ। तो ये पेंटिंग, ये पेपर के ऊपर ये नेचर की पेंटिंग ना मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो इसलिए मैंने अच्छे से ड्रॉ किया था, फिर उसके बाद कलर करना मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था। थोड़ा सा ब्लू रेड वाइट कलर को मिक्स्ड करके मैं ये फ्लावर को पेंट कर रही थी। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट शेयर कर रही हूँ, एक टाइम लैप्स की तरह, जैसे पेंटिंग को कैसे हम ड्रॉ से कलर करते हैं इसका एक टाइम लैप्स बनाया है मैंने, तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आप लोगों के साथ बातें करते करते एक फ्लावर हो चुका है ख़त्म, अभी बारी है दूसरे की, और दो फ्लावर है उनको भी पेंट करना है, तो चलो उनको भी पेंट करते हैं। यहाँ पे जो तीन फ्लावर थे ना वो सारे ब्लू कलर के थे और थोड़ा सा पर्पल कलर का इफेक्ट था, और आप लोग भी ऐसा कुछ पेंटिंग ट्राई करने का सोच रहे हो तो जल्दी से कर लो, सोचो मत, सोचते सोचते ना पूरा टाइम चला जाता है, जल्दी से ट्राई करो। लाइफ में कुछ चीज़ करने का सोच रहे हो तो सोचो मत, कर लो जल्दी से, सोचते रह गए ना तो सोचते ही रह जाओगे पूरे ज़िंदगी भर, तो इसलिए सोचो मत, जल्दी से ट्राई कर लो। और देखो, एक बार ख़राब होगा, दो बार ख़राब होगा, पूरा टाइम तो नहीं ख़राब होगा ना, तो इसलिए पेंटिंग भी ऐसा ही कुछ चीज़ है। कभी कभी कुछ पेंटिंग को देख के ऐसा लगता है ना, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, ये मुझे भी ट्राई करना है, ये मुझे करना ही है, बट कभी सोचती हूँ ना ये मुझसे थोड़ी ना हो पाएगा, ये तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, ये थोड़ी मुझसे हो पाएगा, ऐसा सोचो मत, ये जल्दी से ट्राई कर लो, देखोगे हो गया, देखो कब हो जाएगा ना तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे करते करते तुम खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होने लग जाओगे कि मैंने ये कर दिया, प्राउड फील करोगे खुद के ऊपर कि मैंने ये कर दिया, ये पेंटिंग मैं तो ये देख रही थी कि किसी ने बनाया था, ये देख रही थी बट देखते देखते मैंने भी ये कर दिया। बचपन में ये ना मेरे साथ होता था, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती थी ना तब पढ़ाई करने का मन नहीं होता था, और कुछ पेंटिंग देख लूँ ना तो ऐसा लगता था पढ़ाई छोड़ के ये पेंटिंग लेके बैठ जाऊँ और पेंटिंग कंप्लीट कर लूँ, और पेंटिंग हो भी जाता था मेरे से, पढ़ाई नहीं होता था। अब लोगों के साथ मेरा बहुत सारा ज्ञान मैं शेयर कर लिया, और मेरा यहाँ तक ज्ञान आप लोग सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार।
तीन फ्लावर हो चुका है कंप्लीट। आप ऊपर से ना थोड़ा सा फ्लावर बाकी था एंड देन उसके बाद बाकी था लीफ की। अब तक का ये थ्री फ्लावर का पेंटिंग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आधा पेंटिंग ही शेयर कर रही हूँ, पूरा पेंटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आधा पेंटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पूरा पेंटिंग देखने के लिए आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो को भी देखना पड़ेगा। फ्लावर कंप्लीट होती ही आप बारी थी पेड़ की टहनी की, तो मैंने यहाँ पे ब्राउन एंड ब्लैक कलर को मिक्स करके पेड़ की टहनी करना स्टार्ट कर लिया है। उसके पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। पेड़ की टहनी करते करते ऊपर एक फ्लावर रह गया था तो उसको ही मैं यहाँ पे पेंट कर रही थी। ये फ्लावर भी सेम ब्लू कलर का ही था पर थोड़ा सा पर्पल इफेक्ट था। फ्लावर का पेंट ख़त्म होते ही मैंने यहाँ पे लीफ की पेंटिंग स्टार्ट कर लिया है। लीफ की पेंट का कलर था डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन, थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ किया था और येलो कलर को मिक्स करके थोड़ा सा लाइट एंड शेडो कर दी थी मैं। और कुछ कुछ लीफ में था ना थोड़ा सा डार्क था जहाँ पे शेडो आ रहा था और लाइट आ रहा था, तो उसको मैं डार्क करने के लिए ग्रीन लाइट ग्रीन एंड ब्लैक कलर का यूज़ करके मैंने शेडो किया था। लाइट करने के लिए मैंने येलो एंड लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया। नीचे का जो लीव था ना वो डार्क ग्रीन कलर का था और ऊपर का जो लीव है वो लाइट कलर का था, क्योंकि वो छोटा छोटा लीव था तो इसलिए लाइट कलर का ही था। क्योंकि जो न्यू बॉर्न लीव होता है ना, जो छोटा छोटा लीव निकलता है पेड़ से, तो वो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का होता है और जो बड़ा हो जाता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कर लिया था। एंड ऊपर एक फ्लावर बाकी था, वो लीव करने के बाद वो फ्लावर भी करना था। एंड ऑलमोस्ट लीव का कलर हो चुका था ख़त्म, अभी बारी था वो फ्लावर की। चलो सब मिलके करते हैं इस फ्लावर को पेंट। ये फ्लावर था पिंक कलर का, तो मैंने यहाँ पे रेड वाइट कलर को मिक्स करके पिंक कलर बना लिया था। एंड उसके बाद मैंने यहाँ ये फ्लावर पे ट्राई कर रही थी और थोड़ा सा ब्लू कलर का यूज़ करके पर्पल कलर का इफेक्ट दे रही थी मैं यहाँ पे। और मेरा यहाँ पे आधा पेंटिंग हो चुका है ख़त्म। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ये बर्ड्स का कलर कैसे करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।